जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पकोड़े तलकर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव अंकुश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए अंकुश ठाकुर ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हुई है तब से बेरोजगारी पूरे देश में चरम सीमा पर है। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके युवा घरों पर हताश होकर बेरोजगार बैठे हुए। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय युवा कांग्रेस के दिशा निर्देशों के अनुसार बिलासपुर में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। बताना चाहता हूं, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी तो उन्होंने लोगों से वायदे किए थे, बड़े बड़े वायदे किए, और वो सारे के सारे वायदे बिल्कुल झूठ निकले। युवाओं को उन्होंने बुरी तरह से छला। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से वायदा किया था कि वे हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, तो जो इनके वायदे हैं बिल्कुल खोखले निकले हैं। आज देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। जो अभी आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लोग धूल चटाएंगे और उन्हें कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है।